कच्चा चिट्ठा में आज बात उस खबर से शुरू करेंगे जिसने पुतिन को गाजा में जंग के लिए आखिरकार मजबूर कर दिया। अगर अगले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर भीषण हमला किया तो फिर रूस बहुत बड़ी जंग शुरू कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पश्चिम एशिया की मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू को दो टूक कह दिया कि अब रूस गाजा और सीरिया पर और हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। बंद करो गाजा में कदम, पुतिन की जंगी धमकी। गाजा युद्ध में लगभग 15,000 मौतें होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भयानक खून खराबा करने पर उतारू हैं। हालात ये हो गए हैं कि पिछले 12 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगहों पर सीज फायर को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से सीधा हमला किया है। लेकिन इस बीच एक खबर रूस से निकल कर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन करके रख दिया है। 71 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर गाजा में खूनी गदर नहीं रुका तो फिर गाजा से लेकर सीरिया तक इजरायली सेना पर भयंकर हमले शुरू हो जाएंगे। नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए पुतिन ने जो कहा है उसने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को गहरे संकट में डाल दिया है। जरा देखिए पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब गाजा युद्ध इजरायली सेना के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। गाजा से सीरिया तक रूस का बदला शुरू। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध नहीं रोका तो फिर सीरिया भी इजराइल पर सीधे और बड़े हमले शुरू कर देगा। पुतिन ने हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर बोलते हुए साफ कहा है कि इजराइल जिस तरह से सीजफायर की आड़ में गाजा से लेकर सीरिया तक हमले कर रहा है उसकी वजह से अब फिलिस्तीन इजरायली संघर्ष तीव्र वृद्धि की ओर बढ़ चुका है। पुतिन ने अपनी चेतावनी में यह खुलासा नहीं किया है कि क्या रूस की सेना सीधे तौर पर इजरायल के खिलाफ जंग में उतरेगी या फिर रूस ईरान और लेबनान के जरिए इजरायल पर बड़ा हमला करवाएगा। खबर यह भी है कि सीरिया में मौजूद रूसी सैन्य अड्डों पर इजरायल के खिलाफ युद्ध की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि पुतिन ने इजरायल से साफ कह दिया है कि अब गाजा में मासूम फिलिस्तीनियों की मौत का तमाशा रूस नहीं देखेगा। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को ने ईरान सीरिया और लेबनान को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है। Кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня, не потрясает? अब आप ये भी जान लीजिए कि जब से हमास और इसराइल के बीच सीज फायर हुआ है तब से उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में ऐसा क्या हुआ है कि फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों को बचाने के लिए पुतिन को सीधे जंग के मैदान में उतरना पड़ा है। मिडल ईस्ट और रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक इसराइल ने पिछले 36 घंटे में हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को सीज फायर के दौरान ही जबरदस्त हमले में मार डाला है। अब सवाल उठता है कि जब सीज फायर है तो फिर इसराइल डंके की चोट पर हमास के टॉप कमांडर या कहें लीडरशिप से जुड़े नेताओं को क्यों मार रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिनबेत के पास हमास के सभी टॉप कमांडर्स की पूरी लिस्ट है जो हमास के हमलों को कंट्रोल करते हैं। यही वजह है
कि जैसे ही सीज फायर हुआ, हमास के टॉप कमांडर आगे के हमलों को लेकर मूवमेंट करने लगे, जिसकी भनक मोसाद और शिनबेत को लग गई। और फिर इसराइल की आईडीएफ ने खुफिया सूचना के आधार पर इन्हें मार डाला। यही नुकसान हमास पर बेहद भारी पड़ रहा है, जिसके खिलाफ अब पुतिन ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर सीज फायर के दौरान गाजा या फिर सीरिया पर हमले तेज किए तो फिर ये युद्ध पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा और रूस चुप रहकर तमाशा बिल्कुल भी नहीं देखेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि सीज फायर के दौरान हमास का कौन सा बड़ा टॉप कमांडर मारा गया है। हमास के दो टॉप कमांडर्स को इजरायली सेना ने इस तरह से मारा है कि यही नहीं पता चल पाया कि उन्हें सीज फायर के दौरान मारा गया या फिर पहले मारा गया। हमास ने खुद 26 नवंबर को पुष्टि की है कि हमास के उत्तरी ब्रिगेड के दो कमांडर मारे गए हैं। हमास के मुताबिक आईडीएफ ने उत्तरी ब्रिगेड के कमांडर अहमद अल घंडौर को हवाई हमले में मार डाला है। इससे पहले आईडीएफ ने हमास के कमांडर अहमद अल घंडौर को मारने की 3 बार कोशिश की थी। इसके अलावा हमास के उत्तरी ब्रिगेड में रॉकेट डिवीजन के कमांडर आयमान सियाम को भी आईडीएफ मार चुकी है। हमास के मिलिट्री विंग के मुताबिक हमास के कुल 5 सबसे टॉप अधिकारी मारे गए हैं। दावों के मुताबिक ये सभी टॉप कमांडर युद्ध विराम शुरू होने से मारे गए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीज फायर के दौरान इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स ने हमास के 5 कमांडर्स की टारगेट किलिंग की है। सीज फायर तोड़ा तो तोड़ देंगे इजराइल। हमास के 70 से ज्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें से 15 बेहद माहिर और दिग्गज कमांडर्स थे। लेकिन जिस तरह से सीज फायर की आड़ में इजरायली सेना ने गाजा में गदर मचाया है, उसे लेकर पुतिन बेहद एक्टिव है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी से पुतिन की नजदीकियों ने इसराइल के खिलाफ नई मुसीबत खड़ी कर दी है, तो वहीं सीरिया के प्रमुख असद से पुतिन की पुरानी और गहरी दोस्ती ने इसराइल को गाजा से लेकर सीरिया तक मुसीबत में डाल दिया है। सीरियाई राज्य समाचार एजेंसी के दावों के मुताबिक पिछले 18 घंटे में दक्षिण पश्चिम सीरिया में इजरायली हवाई हमलों में सीरिया के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। दावों के मुताबिक सीरिया में हुई इजरायली हमले में उसके 8 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 7 घायल हुए हैं। सीरिया में इजरायल का हवाई हमला सीरिया के दक्षिण पश्चिमी शहर दारा के पास सैन्य ठिकानों पर हुआ है, जिसे लेकर पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसलिए उन्होंने इजरायल को सीधी धमकी दी है कि अगर गाजा और सीरिया में इजरायली हमले इसी तरह से दोबारा हुए तो जंग बहुत भयानक हो जाएगी। אני מבקר פה עכשיו ביחידה של אמן, היא עושה עבודת קודש, חושפת הרבה מאוד, ומה שאנחנו רואים זה דבר מדהים. אנחנו רואים בעצם שהתושבים, האזרחים בעזה למעלה, מגנים על כל הטרוריסטים למטה, הם בנו עיר תת-קרקעית להגן על עצמם, והם מקריבים את האזרחים למעלה. זה בדיוק הפוך מצבא הגנה לישראל. צבא הגנה לישראל זה חיילים שמגנים על אזרחים, פה זה אזרחים שמגנים על... इधर हमास के द्वारा बंधकों की रिहाई के दौरान एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। रूस को अपना सबसे वफादार दोस्त मानने वाले हमास ने रूसी बंधकों को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पुतिन के कद को दुनिया भर में काफी ऊंचा कर दिया है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने दावे के साथ ऐलान किया है कि हम रूस और राष्ट्रपति पुतिन का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए गाजा में बंधक रूसी नागरिकों को हमास बिना शर्त रिहा करने जा रहा है। हमास के टॉप लीडर ने पुतिन को सम्मान देते हुए बयान दिया है कि रूसी बंधकों को रिहा करके हमास पुतिन को सच्चे दोस्त होने का सम्मान दे रहा है। इधर कतर, मिस्र और अमेरिका ने मिलकर इसराइल और हमास के बीच सीज फायर तो करा दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि नेतन्याहू और इसराइल के कमांडरों ने साफ कह दिया है कि सीज फायर ना तो इसराइल के बदले को रोक पाएगा और ना ही इजरायली हमलों को। हमास का पूरी दुनिया से खात्मा कर देंगे। इधर कुछ मिडिल ईस्ट की मीडिया ने दावा करना शुरू कर दिया है कि गाजा पट्टी में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनकी संख्या 1967 में इसराइल अरब युद्ध में मारे गए लोगों से कहीं ज्यादा है।
दावा तो यहां तक किया गया है कि 1,20,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुकी हैं। अब ऐसे हालात में दावे किए जा रहे हैं कि रूस गाजा से लेकर सीरिया तक इजरायली हमलों को काउंटर करने का मन बना चुका है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन ने अकेले दम पर नेटो और अमेरिका को थका डाला है और यूक्रेन पुतिन से जंग लगभग हार चुका है। अब ऐसे हालात में पुतिन का हौसला सातवें आसमान पर है, इसलिए वो गाजा से लेकर सीरिया तक इजरायली सेना को मटियामेट करने की तैयारी में जुट चुके हैं।